bismillahirrahmanirrahim Rahman alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know, that we are on unit number six. We are going to start it today. I am going to give you a complete introduction of this unit. By the way, the name of this unit is economics. So, my dear students, these are uh, in this unit, we are going to discuss that the further extension of economics uh, that you have already read in grade four the concepts like import and export, tax system, and entrepreneurship have been ex, uh, extra uh, uh, plotted.

यूनिट सिक्स में आप फर्दर जो है इन टर्म्स को डिटेल से पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ यू डिस्कस अबाउट इन्फ्लेशन आप ऑलरेडी ग्रेट फोर में पढ़ चुके हैं तो हम इसको फर्दर इसकी टाइप्स ऑफ कॉजेज जो है वी विल डिस्कस दैट सो यानी कि हम हर चीज को अब डिटेल से और थोड़ा सा ब्रॉडर परस्पेक्टिव के साथ हम इनको अब देखेंगे सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्ट दीज आर ऑल द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स दैट विल बी लेक्चर वाइज

एंड स्कॉट सिटी यानी कि हम कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन को डिस्कस करेंगे और हम स्कॉट सिटी को डिस्कस करेंगे लेक्चर फाइव में देन वी विल मूव फॉर्वर्ड टूवर्ड लेक्चर सिक्स एंड विच वी विल आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ टैक्सेज एंड गवर्नमेंट लोन्स टू पे फॉर गड्स एंड सर्विसेज रोड हॉस्पिटल स्कूल्स इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा यानी कि आप टैक्स क्या है गवर्नमेंट ये क्यों लेती है किस तरीके से लोन्स देती है We will discuss that और ये economics में और मुल्क की तरक्की के लिए ये बहुत चीजें आम हैं हम इसको lecture six में discuss करेंगे then in lecture seven we will uh, the students will be able to define trade export and imports लेक्चर नंबर एट विल भी द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि बच्चे ये इंपॉर्टेंस जो है वो डिस्क्राइब कर सकेंगे कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है जो हम दूसरे ममालिकाथ करते हैं वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन इन लेक्चर नंबर नाइन द स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेजर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक मुल्क में जराए आमदोरफ्त जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेड में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन में

बिज़नेसेस यानी कि बच्चे जो हैं एक तो ऑनटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट क्या होता है उसको डिस्क्राइब करेंगे और जो डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे देन इन लेक्चर नंबर इलेवन द स्टूडेंट्स विल एक्सप्लेन द डिफरेंट बिहेवियर्स रिलेटेड टू ऑनटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स यूजफुलनेस अब कौन कौन से बिहेवियर्स ऑन्टरप्रन्योरशिप के साथ रिलेटेड हैं हम उसको डिस्कस करेंगे लेक्चर 11 में देन इन लेक्चर नंबर 12 द स्टूडेंट्स विल विलेट विद एग्जांपल्स द एवोल्यूशन ऑफ मनी ट्रेड वाई बार्टर बिफोर मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड यानी कि अब बच्चों को पैसे कितने अहम हैं और किस तरीके से क्या इसकी uh, जो है बैकग्राउंड था हम उसको लेक्चर ट्वेल्व में डिस्कस करेंगे Ke, पहले हमने lecture में, जब बार के बारे में पढ़ा तो अब किस तरीके से पेपर मनी और कॉइंस जो है वो बरे सीर में इंट्रोड्यूस हुए थे हम उसको लेक्चर थर्टीन में डिस्कस करेंगे एंड इन लेक्चर नंबर फोर्टीन द स्टूडेंट्स विल आइडेंटिफाई द करेंसी डिफरेंट कंट्रीज यानी कि बच्चों को इस बात के बारे में भी पता चलेगा के किस तरीके से हर मुल्क जो है उसकी एक सेपरेट जो है वो करेंसी होती है वी विल डिस्कस दैट इन लेक्चर फोर्टी एंड देवल टू डिस्क्राइब द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी इन पीपल्स लाइफ देन इन लेक्चर नंबर इन द लाइव ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेसिस फिर बच्चे जब पैसे की अहमियत के बारे में पढ़ लेंगे तो बच्चों को ये बताना भी बहुत जरूरी है कि बैंक जो है वो तमाम मनी हैंडलिंग से जो है वो रिलेटेड होता है एंड वॉट इज इट्स इम्पोर्टेंस

Thank you so much Anala Hafiz